हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल आज हम करें क्लास टू का इंग्लिश का चैप्टर नंबर थ्री लिटिल राउंड वन ओके लिटिल मतलब क्या होता है छोटा राउंड मिस गोल बन मतलब क्या जिसको हम खाते हैं ना ब्रेड जो होता है बन उसको बोलते हैं ब्रेड शेप में होता है मतलब वो ब्रेड की तरह की होता है बट वो राउंड होता है गोल होता है ठीक है यानी कि छोटा गोल बन सो वंस अपॉन अ टाइम देयर लिव्ड एन ओल्ड मैन एंड ओल्ड वुमेन

इन अ लिटिल एक छोटी सी हट में हट मतलब क्या होता है आपको पता है ना हट मतलब होता है झोपड़ी में इन अ विलेज और एक विलेज में यानी कि एक विलेज में एक छोटी सी झोपड़ी में कौन रहता था एक बूढ़ा आदमी और एक बूढ़ी औरत उस छोटी सी झोपड़ी में रहती थी वन डे एक दिन द ओल्ड मैन सेड जो ओल्ड मैन था बूढ़ा आदमी था उसने कहा डू बेक मी अ बन मेरे लिए एक बन जो है वो बेक कर दो ओल्ड वुमेन ओल्ड वुमेन से उसने कहा कि डू बेक मी अब बन मेरे लिए एक बन बेक कर दो यानी कि एक बन बना दो सो द ओल्ड वुमेन टुक आउट ऑल द फ्लोर फ्रॉम द फ्लोर बॉक्स जो बूढ़ी औरत थी उसने क्या करा टुक मतलब क्या होता है बाहर निकालना या लेना टुक आउट यानी कि बाहर निकालना उसने बाहर निकाला ऑल द फ्लोर जितना भी आटा था उसके पास में वो किसमें से निकाला आटे के बॉक्स में से आटे का जो डब्बा था उसमें से निकाला एंड मेड सम डो डो क्या होता है uh, आटा गूंदना जो होता है ना जिसको हम बांधते हैं आटा ठीक है पानी वगैरह डाल के जो तैयार करते हैं ना जिससे आपकी मम्मी रोटी बनाती हैं उसको हम डो बोलते हैं ठीक है जिससे रोटियां गूंद करके बनाई जाती हैं जो गीला होता है थोड़ा सा उसको हम आटे को पानी डाल के जब गूंद देते हैं उसको हम डो बोलते हैं देन शी शेप्ड अ लिटिल राउंड बन और उसके बाद में उन्होंने क्या करा शेप दी उसको एक क्या दिया उसको एक आकृति दी शेप मतलब क्या था आकृति यानी कि उसको एक शेप दे दी राउंड यानी गोल वन आउट ऑफ इट उसको एक आकृति दे दी गोलाकार यानी कि उसको गोल बना दिया उन्होंने बेगड इट और उसको बेक किया एंड पुट इट ऑन द विंडो सिल टू कूल एंड पुट इट यानी कि उसको रख दिया ऑन द विंडो सिल विंडो सिल क्या होता है विंडो सिल मतलब होता है खिड़की के पास वाली अलमारी या खिड़की के पास जो अलमारी होती है ना कई बार क्या हैं बहुत सारे घर होते हैं उन पर खिड़की पर अलमारी जैसी होती है कुछ स्पेस होता है जहाँ पे हम कुछ सामान रख सकते हैं तो उन्होंने उसमें विंडो सिल पर उसको रख दिया किस लिए ठंडा करने के लिए कूल करने के लिए उसको ठंडा करने के लिए ठीक है आगे पढ़ते हैं इस चैप्टर के जितने भी वर्ड्स मीनिंग है ना इन वर्ड मीनिंग को भी आपको याद करना है हमेशा ये चीज़ ध्यान रखनी है कोई भी चैप्टर पढ़ रहे हैं तो उसकी वर्ड मीनिंग ज़रूर याद करनी है तभी आपको चैप्टर भी अच्छे से समझ में आएगा आगे देखिए लिटिल राउड बन जो छोटा गोल बन था जो उसने क्या करा लिटिल आउटमन ले देर फोर टाइम और वो थोड़ी देर के लिए वहाँ पर ले मतलब क्या होता है लेटे रहना या फिर पड़े रहना वो वहाँ पर थोड़े समय के लिए पड़ा रहा एंड देन और तब इट सडनली सडनली मतलब क्या होता है बताइए सडनली मतलब क्या होता है आपको पता है नहीं पता तो सडनली मतलब होता है अचानक से अचानक से स्टार्टेड रोलिंग स्टार्टिंग मतलब क्या शुरू हो गया या चालू हो गया रोलिंग मतलब गोल गोल क्योंकि वो रोल था जो गोल आकार का था तो वो रोल रोल जैसे कि ये पेंसिल देखिए ऐसे रोल हो रही है ना देखो मैंने यहाँ पे ये रखी ऐसे धीरे 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 रोल हो रही है क्योंकि ये गोल है तो उसने ऐसे रोलिंग शुरू कर दी उसने गोल गोल घूमना शुरू कर दिया फ्रॉम द विंडो वो विंडो से इट रोल्ड ऑन टू द बेंच एक बड़ी सी जो मेज थी वो विंडो से उस बड़ी सी मेज तक आया फ्राम द बेंच और बेंच से टू द फ्लोर और वो जमीन पर आ गया फ्लोर पर आ गया एंड टू द डोर और उसके बाद में वो दरवाजे तक डोर मतलब क्या होता है दरवाजा दरवाजे तक पहुँच गया इट होप्ड होप मतलब क्या होता है आपने क्लास फर्स्ट के अंदर चैप्टर पढ़ा था ना कौन सा वाला चैप्टर याद करिए द्लैब ऑफ्रॉप उसके अंदर था ना होप हॉप होप तो हॉप मतलब क्या होता है कूदना ठीक है कून, कून कून करके जाना तो कूदना इट हॉप्ड थ्रू द डोर और वो वहाँ से डोर से हॉप हो गया इनकी कूद करके दरवाजे से बाहर चला गया एंड इन टू द्ड और उसके बाद वो यार्ड यार्ड किसको कहते हैं पता है आंगन जैसा जो होता तो है ना जो चौकोर आंगन जैसा होता है उसको हम क्या बोलते हैं यार्ड ठीक है यार, जो हमारे घर के बाहर का थोड़ा सा स्पेस होता है ना आपके घरों के बाहर थोड़ी सी जगह होती है उसको हम यार्ड बोलते हैं फ्रॉम द यार्ड टू द गेट और वो यार्ड से क्या हुआ वो यार्ड से गेट तक पहुंच गया और फ्रॉम द गेट टू द रोड और वो क्या करा उसने वो गेट से यानी के दरवाजे से वो रोड तक रोड क्या होता है जो हमारी सड़क होती है वो वहां तक पहुंच गया एंड इट नेवर स्टॉप और वो बिल्कुल भी नहीं रुक रहा था क्यों नहीं रुक रहा था वो क्योंकि वो कैसा था वो रोल ठीक है वो कैसा था राउंड इस पेंसिल की तरह और वो ऐसे रोल करता हुआ रुकेगा ही नहीं जब तक तो आप इसको रोकोगे नहीं कैसे रुकेगा कि रोल करता रहेगा है ना तो वो रोल करता करता आगे तक चला गया बट रू, बट रोल्ड ऑन एंड ऑन और वो लगातार क्या हुआ लगातार ऑन एंड ऑन मतलब क्या होता है पता है आपको ऑन एंड मतलब ऑन एंड ऑन मतलब होता है वो लगातार चलता रहा ठीक है ऑन एंड ऑन मतलब लगातार वो चलता रहा उसके बाद बाय एंड बाय बाय एंड बाय मतलब क्या होता है बाय एंड बाय को पता है हम क्या बोलते हैं बाय एंड बाय भी मतलब होता है तुरंत उसके थोड़ी सी देर के बाद इट मेड अ रैबिट कमिंग टूवर्ड्स इट ठीक है बाय एंड बाय का मीनिंग भी कीजिए यानी कि थोड़ी देर बाद या थोड़े समय बाद इट मेट वह मिला मेट मतलब कहता है मिलना मिला और रैबिट एक रैबिट से खरगोश एक कमिंग टूवर्ड्स इट्स टूवर्ड्स मतलब क्या होता है पता है टूवर्ड्स मतलब उधर की तरफ जो आ रहा था कमिंग मतलब आना टूवर्ड्स मतलब सामने की तरफ जो आ रहा था रैबिट खरगोश से वो मिला स्टॉप रुको लिटिल राउंड वन रुको छोटे गोल बन कॉल्ड द रैबिट रैबिट ने कहा या रैबिट ने पुकारा। I am going to eat you up मैं तुम्हें खा जाना चाहता हूँ। ठीक है समझ गया I am going to eat you up मैं तुम्हें खाने वाला हूँ या खा जाना चाहता हूँ। don't do that तुम ऐसा नहीं कर सकते या तुम ऐसा नहीं करोगे don't do that ऐसा नहीं करना किसने कहा ये squint eyes उसने क्या जो बंद था उसने squint eyes से देखा squint eyes कैसी है उसकी तिरछी आंखें ओके squint मतलब क्या होता है तिरछी या टीढ़ी आंखें करके उसने देखा उसकी तरफ लेट मी सिंग यू अ लिटिल सॉन्ग लेट मी सिंग यू अब मुझे सुनाने दो एक लिटिल सॉन्ग एक छोटा सा गाना सेट लिटिल राउंड बन लिटिल राउंड छोटे राउंड बन ने उससे कहा एंड इट बिगिन टू सिंग और उसने क्या करा उसने गाना गाना शुरू कर दिया बिगिन मतलब होता है शुरू करना ठीक है उसने गाना गाना शुरू कर दिया अब देखिए उसका गाना कैसा था आई वॉज़ टेकन फ्रॉम द फ्लोर बॉक्स आई वॉज टेकन यानि कि मुझे निकाला गया था फ्लोर बॉक्स से जो आटे का बॉक्स होता है उसमें से मुझे निकाला गया था एंड बेकड इन एंड बेकड इन द ओवन और मुझे ओवन में बेक किया गया था एंड कुकड ऑन द और मुझे कूल्ड ऑन द सिल और मुझे सिल के पास में यानी कि विंडो सिल जो थी यानी कि विंडो सिल के पास में जो अलमारी थी उस पर कूल ठंडा करने के लिए रखा था आई रन अवे फ्रॉम गैन पा मैं फ्रॉम गैन पा रन अवे मतलब दूर चला आया या दूर चले जाना ग्रैंड पास एंड आई रन अवे मैं भी दूर चला आया ग्रैंड मासी एंड आई रन अवे फ्रॉम रैबिट और मैं रैबिट से भी दूर चला जाऊँगा दिस मिनट आई विल इस मिनट में यह करने वाला हूँ यानी कि क्या हुआ कि मुझे एक फ्लोर बॉक्स से निकाला था और फिर मुझे बेक किया गया उसके बाद में मुझे ठंडा करने लग गया कहाँ पर विंडो सिल पर यानी कि दरवाजे के पास जो लुमारी हुई थी उस आई रन अवे फ्रॉम ग्रैंड पा मैं ग्रैंड पा से दूर चलाया आई रन रन अवे फ्रॉम ग्रैंडमा और मैं ग्रैंड मा से दूर चला आया एंड आई रन अवे फ्रॉम रैबिट और अब मैं रैबिट से दूर चला जाऊँगा दिस मिनट आई विल और ये मैं अभी करने वाला हूँ या मैं करूँगा ठीक है ऐसा उसने कहा एंड ऑफ इट रोल्ड अवे उसके क्या हो और वो वहां से रोल करता हुआ क्या ऐसे रोल रोल करता हुआ वो वहां से चला गया ठीक है यहाँ तक का आप इसको भी याद करेंगे और इसमें जितने भी अभी वर्ड मीनिंग आए थे जो कि अभी मैंने बहुत ज़्यादा आपको नहीं करके दिए हैं क्योंकि मैं चाहती हूँ कि एक अलग से चैप्टर का जो वर्ड मीनिंग होती है वो आपके साथ में शेयर करूंगी तो आप मुझे बताइएगा कॉमेंट बॉक्स में कि आप क्या चाहते हैं इस चैप्टर के अंदर कैसा लगा ये चैप्टर आपको वो भी मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा और आप चाहते हैं कि मैं आपके साथ में कुछ और भी शेयर करूँ वो भी मुझे ज़रूर कॉमेंट करिएगा थैंक यू फॉर वॉचिंग